सन 2018 में एक नेक सोच लेकर चलने वाले रुपिंदर बाजवा ने मम्मा की रसोई शुरू की थी और जैसे जैसे समय बीतता गया इस रसोई में जन सहयोग भी बढ़ता गया और आज मम्मा की रसोई ने पूरे 200 हफ्ते पूर्ण कर लिए हैं। रुपिंदर बाजवा सन 2018 में एक छोटी सी टीम लेकर मम्मा की रसोई की शुरुआत की थी। उनका उद्देश्य था कि हर जरूरतमंद को भोजन प्राप्त हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर मात्र 5 रुपए में पेट भर भोजन करने का लक्ष्य लेकर रुपिंदर बाजवा निकल पड़े अपनी एक छोटी सी टीम लेकर और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। इस बीच टीम के वो सदस्य जो सिर्फ फोटो खिंचवाने आया करते थे वह अलग होते गए और नए चेहरे जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा था वह जुड़ते चले गए। जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे रुपिंदर बाजवा जी को जन सहयोग भी प्राप्त होता गया और इसी दम पर आज रुपिंदर बाजवा जी की मम्मा की रसोई ने पूरे 200 सप्ताह पूर्ण कर लिए। आज इस रसोई में बहुत से लोगों का योगदान प्राप्त हो रहा है। इस रसोई में कई बार लोग अपने माता पिता के जन्मदिवस शादी की सालगिरह पर भोजन वितरण का कार्यक्रम करवाते हैं। मम्मा की रसोई के 200 सप्ताह सफलतापूर्वक पूर्ण होने में जिन जिन लोगों का अनवरत समर्थन मिला है उन्हें मम्मा की रसोई की टीम की तरफ से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और विशेष सहयोग प्राप्त करने वालों को शॉल श्रीफल और पौधे देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आए विशिष्ट अतिथियों द्वारा भी मम्मा की रसोई की मुक्त कंठ से सराहना की गई। साथ ही मम्मा की रसोई के संचालक रुपिंदर बाजवा ने मम्मा की रसोई की सफलतम 200 सप्ताह की कहानी भी ग्रैंड एशियन न्यूज से साझा की। ये एक बहुत बड़ी तपस्या है और अथक प्रयास जिसको कंसिस्टेंट एफर्ट्स बोलते हैं, लगातार विपरीत परिस्थितियों से भी जूझते हुए और इसको सफल बनाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा इनका तपस्या रही है ये। और जैसे 5 रुपये जो है वो एक नॉमिनल टोकन अमाउंट है, हालांकि इसको फ्री भी रखा जा सकता है, बट मैं जहां तक समझता हूं कि इसके पीछे ये भावना है कि अगर उसको फ्री रखें तो लोग उसको मंदिर का प्रसाद या गुरुद्वारे का लंगर या उस टाइप से समझ सकते हैं, जबकि वैसा नहीं है। एक सहयोग है, एक चैरिटी है लोगों को खाना उपलब्ध कराना, इसलिए एक टोकन अमाउंट 5 रुपये उसको रखा है कि फ्री का तो नहीं है लेकिन कॉस्ट का भी नहीं है। वो तो एक अच्छी सेवा भावना है। रविंदर जी ने जब शुरू किया था तो बहुत सीमित साधन थे इनके पास, बर्तन भी गुरुद्वारे से लाते थे, लाने के लिए एक ऑटो करते थे जिसको बर्तन लाने के लिए 100 रुपये देते थे, फिर वापस लेके जाने के लिए 100 रुपये देते थे। गैस और सिलेंडर की व्यवस्था इधर उधर से उधार लेके की जाती थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो कहते हैं कि उद्देश्य अगर अपना एक डिटर्मिनेशन हो आपका अंदर तो फिर विपरीत परिस्थितियां कैसी भी हों, अभाव कैसा भी हो, आप हमेशा उत्तरोत्तर सफलता के मार्ग पे चलते जाएंगे। बीच में कई बार ऐसी भी स्थिति आई थी शुरू में कि कोई लोग भी नहीं आए जब इन्होंने ये तैयार किया भोजन यहाँ पर, तो उसके बावजूद भी हतोत्साहित नहीं हुए, दोबारा इन्होंने फिर प्रयास किया और आज आप देख ही रहे हैं ये कितनी सफलता की चरम उत्कर्ष स्थिति पे पहुंच चुके हैं। हमारी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है और उत्तरोत्तर प्रगति करें, इसी प्रकार से सेवा करते रहें समाज की। थैंक यू, धन्यवाद। एक तो जो समय का फिल्टर है वो काम करता गया, कुछ लोग जो ऐसे जुड़े थे जो फोटोग्राफी के लिए जुड़े थे वो अपने आप अलग होते गए और अच्छी टीम बनती गई, स्ट्रॉन्ग टीम बनती गई। और थोड़ा सा कीड़ा भी था हल्का सा कि भाई संडे सुबह उठना है, करना है, तो कई बार अकेले ही निकल जाते थे। ऐसा 3-4 बार हुआ है कि लास्ट तक मैं अकेला ही रहा, उसके बाद जो खाना खाने आए थे उन्हीं से मैंने खाना बंटवाया, लेकिन लगे रहे। तो आज 200वां हफ्ता आप देख रहे हैं, टीम इतनी बढ़िया है, एकदम पोलाइट टीम है, अच्छी टीम है। जब शुरू किया था तब तो पता ही नहीं था, हमने ज़िंदगी भी नहीं सोचा था कि हम 3-4 महीने के आगे जा पाएंगे, और जितने भी टीम वाले थे उन्होंने भी यही सोचा था कि ये ज़्यादा ज़्यादा 3-4 बार करेगा उसके बाद फिर गायब हो जाएगा, लेकिन होता रहा होता रहा। बाजवा साहब का 3रे हफ्ते ही हमें इतने सारे बर्तन दे देना तो इनका भी बोझ आ गया था कि आप अगर इस बार मना कर दिया तो बोलेंगे कह रहे यार ये क्या किया। तो ऐसे धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, सब कुछ होता गया और आज बड़ा सक्सेसफुल लग रहा है। आज ये ग्रैंड सक्सेस, सबको ही धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, जितने भी लोग हैं। एक तो बाजवा साहब हैं हमारे और दूसरे आप भी हैं और बाकी हमारे टीम के जितने मेंबर्स हैं। रुपिंदर बाजवा को मम्मा की रसोई के 200 सप्ताह पूर्ण करने के बीच में कई बार काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, परंतु अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूके। यही कारण है कि आज मम्मा की रसोई ने अपने 200 सप्ताह पूर्ण कर लिए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।